गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 13, पेमेंट बैंक्स एंड ई बैंकिंग इन इंडिया। पेमेंट बैंक्स जो हैं वो नए टाइप का जो बैंक है वो कंसेप्चुलाइज किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 2014। पेमेंट बैंक्स जो थे डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स हैं जो आपके नॉर्मल नेशनलाइज बैंक हैं उनसे, और अंडर दी गाइडलाइंस जो इशू किया था आरबीआई ने नवंबर 27, 2014, इन्हें सेटअप किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं कंट्री के उन्हें बैंकिंग के साथ जोड़ना। तो जो अनबैंक्ड एरिया थे या जहाँ जो अंडर बैंक्ड एरिया थे कि जहाँ अनबैंक्ड मतलब जहाँ बैंक्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अंडर बैंक्ड एरियाज मतलब जहाँ कम बैंक है, जो वो एरियाज हैं वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जो आरबीआई है उन्होंने जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें सेटअप करने के लिए गाइडलाइंस इशू की थी। कन्वेंशनल बैंकिंग इफेक्टिव है इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बैंक्स अकाउंट्स लोगों के पास नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेमेंट बैंक्स का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ। पेमेंट बैंक्स का जो मेन एम है दैट इज़ कि जो पीपल हैं, स्पेशली जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं या लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं या स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो एंटिटीज हैं उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाए। तो इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें तो एक पेमेंट बैंक सारे फंक्शंस करता है, सिर्फ दो फंक्शंस को छोड़ के। जो दूसरा जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक्स काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं क्या क्या, एक्सेप्ट करना डिमांड डिपॉजिट्स को, इशू करना एटीएम डेबिट कार्ड, थर्ड पार्टी को फंड ट्रांसफ़र करना, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना, विड्रॉल फैसिलिटी देना, ये सारे फंक्शंस करते हैं। लेकिन इसमें जो तीन मेन फीचर्स हैं पेमेंट बैंक्स के जो इसे डिफरेंट करते हैं कन्वेंशनल बैंक से, वो क्या है कि ये बैंक्स एडवांस नहीं कर सकते लोन्स को, मतलब ये लोन्स नहीं दे सकते, लेंडिंग नहीं कर सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है, वो है अप टू 1 लाख रुपीज़ का सिर्फ ये डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों चीज़ें आप जो हैं पेमेंट बैंक्स में ओपन आप दोनों तरीके के अकाउंट कर सकते हैं। और इसका जैसे इसका मेन पर्पस क्या था या इसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, इंडिया में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जो इंडिया देखें तो जो इंडिया है वो टॉप की कंट्रीज में आता है जहाँ पर मोबाइल फोन के जो यूज़र्स हैं वो ज़्यादा लोग हैं। तो जो पेमेंट बैंक है वो मोबाइल बैंक्स में आपके थ्रू जो आप डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करते हैं या जो आप यूपीआई यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो पेमेंट बैंक्स हैं वो लोगों को जोड़ते हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका एम अचीव करने में जो गवर्नमेंट है उसको हेल्प करते हैं। तो पेमेंट बैंक्स जो इंडिया में अगर हम बात करें तो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस इशू की थी हम बात कर चुके हैं नवंबर 27, 2014 को की थी। पेमेंट बैंक्स के लिए ज़रूरी है अपने नेम के आगे पेमेंट बैंक लगाना वर्ड, और ताकि उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सके दूसरे बैंकों से। टिल फरवरी 2018 11 जो एंटिटीज़ हैं उन्होंने लाइसेंस ले लिया था फॉर सेटिंग अप पेमेंट बैंक्स इन इंडिया, और 11 में से 7 एंटिटीज़ ऑलरेडी सेटअप पेमेंट बैंक्स कर चुकी हैं। जो ऑपरेशनल पेमेंट बैंक्स हैं वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एनएसटीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब कंपैरिजन ट्रेडिशनल बैंकिंग और पेमेंट बैंक्स का, दोनों एक्सेप्ट डिपॉजिट्स दोनों कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी डिपॉजिट्स के ऊपर दोनों देते हैं, विड्रॉल फैसिलिटी भी दोनों देते हैं कस्टमर को, प्रोवाइड लोन्स और इन्वॉल्व इन लेंडिंग एक्टिविटी ट्रेडिशनल बैंक्स करते हैं बट पेमेंट बैंक नहीं करता है।
इशू क्रेडिट कार्ड, पेमेंट बैंक इशू क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकता है, जबकि ट्रेडिशनल बैंक्स करते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट ट्रेडिशनल बैंक्स में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पेमेंट बैंक्स में मैक्सिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीज पर कस्टमर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ पेमेंट बैंक्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय पेमेंट बैंक्स। अभी जो ऊपर के दो टॉपिक्स में हमने बात की कि क्या क्या फीचर्स हैं बैंक्स के, क्या क्या वो फंक्शंस करता है, वही सारी चीज़ें बार बार इस टॉपिक में रिपीट हो रही हैं। तो सबसे पहला है दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। पेमेंट बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स इंडिविजुअल से, स्मॉल बिजनेस यूनिट से, अदर एंटिटीज से, लेकिन उसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है? 1 लाख रुपीज पर कस्टमर्स। और बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट आप पेमेंट बैंक्स में ओपन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं ये ATM और डेबिट कार्ड्स। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग की ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड पार्टी को आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू RTGS, NEFT और IMPS। पेमेंट आप कर सकते हैं यूटिलिटी बिल्स की, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा की। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ अदर बैंक्स की तरीके से ये एक्ट कर सकते हैं। जो पेमेंट बैंक्स है वो एक्ट करता है एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर अदर बैंक्स, ऑफ अदर बैंक्स। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होता है? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा उस एरिया में जहाँ पर बैंक की ब्रांच नहीं है। तो किसी और बैंक के लिए जो पेमेंट बैंक्स है वो एज अ बिजनेस बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस का जो फंक्शन है एक्ट कर सकते हैं, और उसे हेल्प मिलती है बैंकिंग को स्प्रेड करने में इन अनबैंक्ड और अंडरबैंक्ड एरियाज। क्या क्या सर्विसेज ये नहीं देते हैं? ये किसी भी तरीके की लेंडिंग बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब किसी भी तरीके का लोन ये नहीं दे सकते, ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट ये नहीं ले सकते, ये डिपॉजिट NREs का भी नहीं ले सकते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं उनका डिपॉजिट पेमेंट बैंक्स नहीं ले सकते हैं। बैंक्स को अलाउड नहीं है सब्सिडरी सेटअप करना अंडरटेकिंग की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। देन गाइडलाइंस क्या है फॉर लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स? सितंबर 2013 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी जिसे हेड किया था डॉक्टर नचिकेत मोर ने, और उन्होंने मेजर्स जो थे वो प्रपोज किए कि किस तरीके से जो बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस है उसे इंक्रीज किया जाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जाए। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई जनवरी 2014 में। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पेमेंट बैंक्स को सेटअप किया जाए ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सके अमंग माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज सेक्टर के बीच में। नवंबर 27, 2014 को RBI ने इशू की गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स। ये गाइडलाइंस क्या थी? पहला गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें रजिस्टर किया जाएगा एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद स्पेसिफिक लाइसेंसिंग कंडीशंस जो इनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि ये सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट और प्रोविजन फॉर पेमेंट और रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये गवर्न किए जाएंगे बाय द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 एंड अदर गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस जो RBI टाइम टू टाइम इशू करती है। नेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा पेमेंट बैंक्स को सेटअप करने का, दैट इज प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को। देन एलिजिबल प्रमोटर्स कौन कौन से हैं? जो एग्जिस्टिंग नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स हैं वो ऑथराइज्ड हैं अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, कॉरपोरेट बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज, सुपरमार्केट चेन कंपनीज एक्सेट्रा जो हैं जिन्हें ओन्ड और कंट्रोल रेजिडेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कर रही हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो सेटअप करना चाहते हैं पेमेंट बैंक्स को।
जो एंटिटीज और जो प्रमोटर्स प्रमोटर ग्रुप हैं जिन्हें डिफाइन किया गया है अंडर सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009, वो फिट एंड प्रॉपर होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल अगर उन्होंने प्रमोट करना है पेमेंट बैंक्स को, और उनका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का, साउंड क्रेडिट वर्दीनेस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस होना चाहिए। देन स्कोप ऑफ एक्टिविटीज की बात करें तो जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें एज अ डिफरेंशिएटेड बैंक सेटअप किया जाएगा और उनकी जो एक्टिविटीज हैं लिमिटेड होंगी ताकि जो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्हें सेटअप किया जाता है वो पूरा हो सके। जो पेमेंट बैंक्स हैं उन्हें परमिट है कि वो अपने जो खुद के उनके आउटलेट्स हैं वहाँ पे जो ब्रांचेज हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स हैं, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा है वो सेटअप कर सकती हैं, ताकि जो सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज परमिट की है बैंक्स ने अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वो उनको कम्प्लीट कर सके। जो पेमेंट बैंक्स एक्सेप्ट कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और सेविंग बैंक का डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड अदर एंटिटीज जिसे परमिट किया है आरबीआई ने। एनआरआई का डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो एलिजिबल है डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए पेमेंट बैंक्स को वो कवर होगा अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन पेमेंट बैंक्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं ATM, डेबिट कार्ड्स, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते। जो बैंक्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं पेमेंट एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल्स जिसमें उनकी ब्रांचेज, ATMs, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड मोबाइल बैंक्स आ जाते हैं। देन पेमेंट बैंक्स को परमिटेड है कि वो ऑफर कर सकते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। जो पेमेंट बैंक है वो चूज कर सकता है अगर उसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनना है या एजेंट बनना है किसी और बैंक का, सब्जेक्ट टू दी RBI गाइडलाइंस ऑन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स। देन एज अ चैनल जो पेमेंट बैंक्स हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं रेमिटेंसेज, जो सेंड और रिसीव कर सकते हैं रेमिटेंसेज फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स। पेमेंट बैंक्स को परमिटेड है कि वो हैंडल कर सकते हैं क्रॉस बॉर्डर फॉरन रेमिटेंसेज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको, जो है इन द नेचर ऑफ पर्सनल पेमेंट्स, रेमिटेंसेज ऑन करंट अकाउंट और जो भी फैसिलिटीज अप्रूवल्स हैं इंसिडेंटल टू अंडरटेकिंग वो ट्रांजेक्शन्स फॉरन एक्सचेंज में, उनके लिए उन्हें परमिशन RBI से चाहिए होगी जिसके लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन पेमेंट बैंक्स यूटिलिटी बिल पेमेंट्स की जो फैसिलिटी है अपने कस्टमर्स को दे सकता है। जो पेमेंट बैंक्स हैं वो सेटअप नहीं कर सकते सब्सिडरीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ का बिजनेस करने के लिए। देन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स की बात करें तो जो पेमेंट बैंक्स हैं वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। जो बैंक हैं जितना भी उनके पास डिमांड डिपॉजिट का बैलेंस है उसका 75% जो है उन्हें इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स में जिनका मेचोरिटी पीरियड जो है वो 1 ईयर है, और वो रिकॉग्नाइज जिसे RBI ने किया है एज एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ SLR रेशियो। जो पेमेंट बैंक है उन्हें 25% जो है मैक्सिमम अपना होल्ड करके रखना है करंट एंड टाइम फिक्स्ड डिपॉजिट्स में विद अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल है पेमेंट बैंक्स की वो 100 करोड़ रुपीज़ है, और जो पेमेंट बैंक्स है उन्हें रिक्वायर्ड है कि उन्हें मेंटेन करके रखनी है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 15% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें जो प्रमोटर्स हैं पेमेंट बैंक्स के उन्हें एटलीस्ट 40% जो उनकी पेड अप इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए जब बिजनेस कमेंस किया है उन्हें होल्ड करके रखनी है। अगर पेटीएम बैंक्स आपके सेटअप हुए हैं एज अ जॉइंट वेंचर विद इक्विटी पार्टनरशिप विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो इक्विटी स्टेक ले सकते हैं पेमेंट बैंक्स में टू द एक्सटेंट जो परमिट किया गया है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो नेक्स्ट पॉइंट है हम इसे कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।